हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म निरीक्षण कर समता की स्थापना करते हैं। इसके बाद बारी आती है समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करने की, जो कि पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। अब अपनी सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। घर से निकलते ही मिल जाते हैं प्यारे प्यारे चार पैरों वाले जीव। और आज आखिरकार हमें निकलना था हमारी 2 दिन की यात्रा हेतु, जिसकी व्याकुलता व चिंतन हमारी नींद में भारी अड़चन डाल रहा था। व्लॉग 1 या 2 दिन बाद ही आ पाते हैं, क्योंकि एडिटिंग आदि के लिए समय निकाल पाना काफ़ी कठिन रहता है, उसके लिए हमें ज़रा सा खेद है। अब मौसम भी बदलाव रूपी करवट ले चुका है, आप भी उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य हेतु तुलसी, गिलोय, हल्दी, शिलाजीत आदि का सेवन आरंभ कर सकते हैं, जिनकी मात्रा आप शारीरिक बल अनुसार ही रखें। जाने का निर्णय पक्का हो चुका था और हमने गंगा घाट पर रुकने का हेतु एक आश्रम भी तलाश लिया था, क्योंकि हर बार ध्यान अवस्था में विघ्न का कारण बनता है पित्त का उदरगामी होना। वहाँ शायद इस वेग में कुछ कमी मिले, अब बस व्याकुलता थी वहाँ पहुँचने की। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ सैर को लगभग हम खत्म कर चुके थे। 10-12 हज़ार कदम चलने के बाद शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। अब आ पहुँचते हैं घर, शुरू होती है ध्यान की स्थापना, जो कि उत्तम मानसिकता तथा प्रभुत्व शरीर पर स्थापित कर देती है। इसके बाद स्नान ग्रहण कर हम पहुँच जाते हैं महाकाल के चरणों में खुद को अर्पित करने और खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब भोजन की व्यवस्था भी जरूरी थी, किंतु हमने ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो रही है, क्योंकि यात्रा से पहले कुछ भी खाना वात के प्रकोप को न्योता देना है। खैर, इसके परिणाम तो आगे देखने को मिलेंगे ही। अब दाल उबाल ली थी और ग्रहण भी कर ली थी। इसके बाद बारी आती है फ़ोन पर कुछ परामर्श लेने की। शिलाजीत की मात्रा हमने अभी भी 10 ग्राम रखी हुई है, ये अगले 21 दिन तक 10 ग्राम ही रहेगी। और हम निकल पड़ते हैं अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर यात्रा के लिए। अब लगभग 600 किलोमीटर हमारी मोटरसाइकिल चलने वाली थी, तो कुछ ज़रूरी जांच करवा लेना भी अति आवश्यक था। यदि आप भी कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल आदि की जांच जरूर करवा लें। पर दुविधा यह रही कि जिस मैकेनिक भाई साहब के पास हम अक्सर सर्विस के लिए जाते थे, आज वो छुट्टी पर थे। परेशान मन लिए हम जल्दी से भरवा लेते हैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल, और इसके बाद दोनों ही टायरों की हवा की जांच हम करवाते हैं। अब मुख्य समस्या इस मोटरसाइकिल के साथ यह रहती है कि इसका चेन सेट हर 500-600 किलोमीटर के बाद जांच के लिए ले जाना ज़रूर पड़ता है। जिनके पास है वो जानते होंगे, और किस्मत ने साथ दिया, जल्दी हमें एक मिस्त्री भाई साहब भी दिख गए रोड के किनारे काम करते हुए। तो जल्दी से हमने अपना चेन सेट टाइट करवा लिया और तेल आदि भी डलवा लिया। अब यात्रा के पहले 100 किलोमीटर कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, समस्या खड़ी होती है उसके बाद, और ऊपर से गर्मी का ये वेग भी बढ़ता ही जा रहा था। खैर, इतना तो हम सहन कर ही सकते थे। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो है शरीर में होने वाली पानी की कमी, जो बहुत से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो यदि आप अकेले दोपहिया वाहन की लंबी यात्रा पर निकले हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रास्ते में पानी या नारियल पानी आदि ज़रूर पीते रहें। अब पूरे रास्ते नज़ारों का आनंद लेते हुए हम कब रास्ता भटक गए हमें पता ही नहीं चला, किंतु इसका कुछ खास अफसोस हमें था नहीं, क्योंकि हम पहाड़ों में थे और मौसम बेहद सुहाना था। अतः अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव में हम आ पहुँचते हैं ओशो गंगा धाम आश्रम। अब किसी खास गुरु विशेष आदि के तो अनुयायी हम हैं नहीं, हमारा ध्यान आदि तो खुद पर ही निर्भर करता है। हमें तो बस चाहिए थी गंगा किनारे एक बहुत ही शांति प्रिय वातावरण से युक्त जगह, जो हमें इस आश्रम ने दी। और खाने की व्यवस्था तो पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छी यहाँ की थी। यदि आप जाना चाहें तो यहाँ पर ध्यान आदि क्रियाएँ सिखाई भी जाती हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर आपको इंटरनेट पर गूगल आदि पर मिल जाएगा। अब शाम व्यतीत की गंगा मैया के किनारे पर भोजन ग्रहण किया और यहीं समाप्त करते हैं आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।